हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं फिजिक्स के एक शानदार सेशन के साथ। और आज हम लोग 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज बातें करेंगे हम लोग फिजिक्स के बारे में और भौतिकी के बारे में, जिसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे फिजिक्स से संबंधित आपके 11th के टॉपिक से, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ और भी टॉपिक्स को उसमें क्लियर करेंगे। पहले बेसिक स्ट्रक्चर को जान के फिजिक्स क्या होता है, कहाँ से फिजिक्स आया है, कैसे होता है हमारा फिजिक्स, उसमें क्या चीज़ और किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। तो सबसे पहले आप मोटी मोटी चीज़ जान लें कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स क्या होता है हमारा, ठीक है। तो पहले जरा समझते हैं फिजिक्स के बारे में। ये हमारे पास भौतिकी है ना, हिंदी में बोलते हैं क्या आपको, भौतिकी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिकी। तो आपने बेसिक में आप लोग बेसिकली आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, फिजिक्स का डिफिनेशन वगैरह पढ़ा होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या नेचुरल चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर ऊर्जा वगैरह पदार्थ वगैरह के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स करते हैं। सिंपल मीनिंग अगर आप बात करें फिजिक्स की, है ना, तो जिसमें हम लोग नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, नेचर, ठीक है, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति के बारे में डिस्कशन करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। या फिर बात करें तो किस चीज के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति के नियमों को। जैसे आप पढ़ते होंगे ना, आपने घर्षण पढ़ते हैं आप लोग, है ना, न्यूटन्स लॉ में और न्यूटन के नियम पढ़ते हैं, प्रत्येक एक्शन के विपरीत रिएक्शन वगैरह, ये सारे जो नियम होते हैं वगैरह, जैसे सेब का पेड़ से नीचे की ओर गिरना, है ना, इस तरह की जितनी भी चीजें होती है, मतलब प्रकृति में जितने भी आपके नियम काम करते हैं उन सारी चीजों को हम लोग अध्ययन करते हैं किसके अंदर, भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, और इसके अंतर्गत हम किसके और किसके किसके बारे में डिस्कशन करते हैं और किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा, ठीक है ना। बेसिकली मैटर, एनर्जी एंड मैटर, इंट्रैक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, इंट्रैक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, मतलब क्या कि ऊर्जा और पदार्थों एवं ऊर्जा के मध्य संबंध, ठीक है, पदार्थ एवं ऊर्जा के मध्य क्या करते हैं हम लोग, संबंध का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी चीजें हमने जान गए क्या कि फिजिक्स क्या, फिजिक्स के अंतर्गत किसको किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचर के लॉ के बारे में, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर यानी पदार्थों के ऊर्जा, पदार्थों की ऊर्जा के मध्य क्या संबंधों को हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिजिक्स के अंदर में डिस्कस किया जाता है, गति के नियमों को, है ना, और गति वगैरह, और है ना, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये सब जितनी भी चीज़ें आती हैं, आप सारी चीज़ों को किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, सबको हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं यानी भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर बात की जाए भौतिकी के जनक के बारे में, है ना, तो 20th सेंचुरी, है ना, 20वीं सदी के जो साइंस हमारे फिजिक्स के जनक माने जाते हैं वो आइंस्टीन को माना जाता है, ठीक है ना, आइंस्टाइन यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, कौन सा, 20वीं सदी के भौतिकी के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। हालांकि फिजिक्स का खोज किसने किया था, जिसको बोलते हैं ना एग्जैक्ट, बेसिकली क्या कहा जाता है उसको, फिजिक्स के अंतर्गत में आपको 20वीं सेंचुरी के जो आपके जनक होते हैं वो किनको माना गया है, आपको ये माना गया आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करें एक्सपेरिमेंटल साइंस की, जिसने जो एक्सपेरिमेंटल साइंस हमारा होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट जितनी भी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे काम में ली जाती है, जैसे सब कुछ एक्सपेरिमेंटल थ्योरिटिकल बातें भी होती है और साथ में क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल भी होती है। तो एक्सपेरिमेंटल की बात करें यानी प्रायोगिकी प्रायोगिकी का जो जनक है, ठीक है ना, और भौतिकी के अंदर में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो जनक है ना वो गैलीलियो को माना गया है, ठीक है, गैलीलियो,
गैलीलियो, ना ऐसे ही होगा ना, गैलीलियो। गैलीलियो को माना गया है क्या, आपका प्रायोगिकी का जनक, मतलब एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है आपका, उसके जनक किसको माना गया, आपको गैलीलियो को माना गया। ठीक है, तो हमने जाना क्या, फिजिक्स जो है आपका नेचर के बारे में बताता है आपको, नेचर ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है ना, इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर के बारे में, पदार्थों और ऊर्जा के संबंध के बारे में, ठीक है ना। और हमने बताया आपको क्या कि 20वीं सेंचुरी का जो जनक है वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है ना। जितनी भी चीज़ें जो आपकी प्रकृति से संबंधित है, या फिर गति हो गया, घर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, है ना, पलवन हो गया, जितनी भी फोर्सेज हो गई, बल हो गई, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, मापन, मापन की चीज़ें है ना, एक चीज़ और भी बोल सकते हैं आपको, फिजिक्स क्या है, एक तरह से क्या है आपका, मेजरमेंट है ना, इसको बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ साइंस, मेजरमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइंस मतलब क्या, माप तौल का विज्ञान, माप तौल का विज्ञान, ठीक है, माप तौल का विज्ञान। भौतिकी में हम लोग बेसिकली माप तौल भी करते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट वगैरह, जैसे कोई चीज मापना हो, जैसे आपको ये, हमको ये पूरा बोर्ड मापना है तो किसमें मापेंगे, इसको लंबाई में मापेंगे, है ना, इसका वजन मापना है इस मार्कर का, तो इसको वो किसमें मापेंगे, हम केजी में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, है कि नहीं। अगर आपको टेम्परेचर मापना है तो केल्विन में मापेंगे। तो ये जितनी भी माप तौल वगैरह चीजें होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है, वो सारी की सारी फिजिक्स के अंतर्गत आपको निकल के आती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ मेजरमेंट ऑफ साइंस, पदार्थों और ऊर्जा के मध्य संबंध, नेचर ऑफ लॉ यानी प्रकृति के नियमों के बारे में और प्रकृति के बारे में। तो आप मोटा मोटा डिफिनेशन लिख लेंगे फिजिक्स से संबंधित ये छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों को, पहले आप इसे नोट करें, इतनी चीज़ों को अगर आप समझ गए हो तो फिर हम इस तरफ करते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारा जो टॉपिक है, और टॉपिक जो है आपका 11th के अंदर का सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है मापन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ ना मेजरमेंट पढ़ा जाता है फिजिक्स के अंतर्गत, तो हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, मेजरमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी निकल के आती है, ठीक है, चलेंगे। थोड़ी सी और चीज़ें जो हम इसको जान लेते हैं फिजिक्स से संबंधित, है ना, जरा देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स, फिजिक्स को कैटेगराइज करने का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है। फिजिक्स हमारा भौतिकी होता है ना, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में हम यहाँ इसको बांट रहे हैं, ठीक है, दो भागों में हम इसको बांट रहे हैं। एक तो आपका होता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और एक आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। पहला जो है आपका क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, मतलब जो नॉर्मली हम लोग फिजिक्स का, फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिकली फिजिक्स, इसको लिख सकते हैं आप 1900 से पहले, सन 1900 से, 1900 ईस्वी से पहले, ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले का फिजिक्स, ठीक, 1900 ईस्वी से पहले का जो फिजिक्स है हमारा, ठीक है, वो आपको आता है क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। 1900 ईस्वी से पहले जो भी आपका फिजिक्स था वो हमारा आता है किसमें, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, और 1900 के बाद, आफ्टर 1900 यानी 1900 ईस्वी के बाद, ये बेसिकली हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको फिजिक्स का पूरा बैकग्राउंड सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे कि हमको क्या जानना है, किस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1900 ईस्वी के बाद का फिजिक्स, ठीक है, 1900 ईस्वी के बाद का फिजिक्स। तो 1900 ईस्वी के पहले का जो भी फिजिक्स है, मतलब वो 19th सेंचुरी के पहले का जो भी फिजिक्स है, या 20th सेंचुरी का, वो आपको बेसिकली क्या है आपका, वो आपको आता है किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। और 1900 ईस्वी के बाद का जो भी फिजिक्स आपको आया, निकल के सामने आया, वो सब मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। नई नई चीज़ें खोज हुई, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बारे में जाना गया, तो उससे संबंधित जो हमारी फिजिक्स बनाई गई है ना, वो हमको आता है किसके अंतर्गत, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स,
जब आप आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे इसको, है ना, ट्वेल्थ के अंदर अगर जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर ही इसमें पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बेसिकली आता क्या है, कम्युनिकेशन वगैरह आता है, सेमी कंडक्टर आता है, डिवाइस आता है, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आती है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आता है ना, कैसे मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमें छोटी छोटी बातें जो है इसमें आपको डिस्कस करते हैं और बताते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। पहला तो हमने जाना है कि 19वीं सदी के पहले का फिजिक्स जो है आपको क्लासिकल फिजिक्स में आएगा, और बाद का जो है वो आपको मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, ठीक है। इसमें डिस्कस किया जाए किसके बारे में, वैसे पदार्थ, है ना, वैसे पदार्थ जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो, है ना, जो बड़े बड़े पदार्थ हो, बेसिकली बड़े लेवल के पदार्थ होंगे ना, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। मतलब 10^-6, ठीक है, से बड़े पदार्थ या फिर लिख देते हैं वस्तु, बड़े वस्तुओं का अध्ययन, 10^-6 से बड़े वस्तुओं का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, हम लोग करते हैं आपको क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत। यानी वैसा बॉडी, वैसा पार्टिकल जो आपका साइज जो हो 10^-6 से बड़ा हो, 10^-6 का मतलब समझते हैं कितना होता है, 10^-6 जो है वो आपका होता है 1/10 लाख, ये होता है आपका 1/10 लाख, इसी को बोलते हैं 10^-6। मतलब इससे जो बड़ा बॉडी होगा उसके बारे, उसको जब हम लोग डील करेंगे तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में हम उसको डील करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरे वाले हिस्से में, तो यहाँ पे जो है 10^-6 से बहुत छोटा है ना, काफी स्मॉल, हमने लिख दिया बहुत छोटा, मतलब 2 बार छोटा कर दिया, से छोटे वस्तुओं का अध्ययन, 10^-6 से बहुत ही छोटे वस्तु, बहुत ही टीनी पार्टिकल्स, मतलब इतने छोटे कि मतलब देखा नहीं जा सके, है ना। तो वैसे पार्टिकल्स का जब हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको किस में पढ़ेंगे, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत में उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किस में, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना, हमने बताया आपको पहले का कि 1900 से पहले का जो भी भौतिकी है, जो भी फिजिक्स से आपको आता है क्लासिकल में, बाद का आया मॉडर्न में, ठीक है। 10^-6 से बड़े वस्तुओं का अध्ययन, यानी इसको बेसिकली बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडी, हालांकि छोटा ही होगा लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक हम लोग बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइक्रो होता है, और एक क्या होता है, माइक्रो होता है, बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ जब होगा तो आपको क्या होगा, आपका माइक्रो होगा, माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है। ये आपका हो गया, एक तो आपका हुआ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब बड़ा पार्टिकल्स, ठीक है ना, और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा पार्टिकल्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में द्रव्यमान जो होता है, जो वेट होता है हमारा, ठीक है, द्रव्यमान, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास, ठीक है, ये बार बार चीजें इस्तेमाल की जाएगी, द्रव्यमान को कांस्टेंट माना गया है, अचर माना जाता है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में हम लोग द्रव्यमान को क्या मान के चलते हैं, अचर मान के चलते हैं, यानी कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन वही चीज जब हम लोग चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो मास जो है, द्रव्यमान जो है अचर नहीं होता है, द्रव्यमान को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका मास होगा, यानी द्रव्यमान होगा, एम जो होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, मतलब द्रव्यमान आपका चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। और यही जो हमारा कथन है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बताते हैं क्या है, यही स्टेटमेंट जो है आइंस्टीन का स्टेटमेंट था। आइंस्टीन ने बताया था कि E =
एम सी स्क्वायर, जहाँ पे ई क्या है आपका ऊर्जा है ना, और एम क्या है द्रव्यमान है, और सी जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए द्रव्यमान ने अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हमारा उसका थ्योरी था है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसके अंदर जिससे जिसको लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन को इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि जो द्रव्यमान है उसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और यही स्टेटमेंट है जो बताता है आपको कि द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान को एक अचर माना गया, यानी द्रव्यमान एक कॉन्स्टेंट टर्म माना गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी और जानकारी हुई हमारी फिजिक्स की है ना। फिजिक्स का दो पार्ट हुआ, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। इलेवेंथ में आपको पूरा का पूरा क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आपको जनरली ट्वेल्थ में मिलेगा पढ़ने के लिए अधिकतर। ठीक है, अच्छा तो आप इसे नोट कर लें बहुत अच्छे से, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं है ना, और इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर बातें करते हैं हम लोग आगे आगे की चीज़ों की। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आपको भौतिक राशियों के बारे में। आपका जो सबसे पहला टॉपिक है जो आपके इलेवेंथ में आपको आता है फिजिक्स में है ना, वो है आपका भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या होती है हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपने इलेवेंथ बेसिकली नहीं, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा भौतिक राशियों के बारे में, जैसे लंबाई द्रव्यमान है ना, ये सब सारी चीज़ें जो होती है इन चीज़ों के बारे में आपने नाइन्थ में पढ़ रखा होगा, हल्की फुल्की आपको जानकारी जरूर होगी है ना। भौतिक राशियाँ क्या होती है, हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसी राशि या ऐसा गुणधर्म जिसका मापन संभव है। ठीक है, जिसको हम लोग माप सकते हैं। अब मापने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। कोई चीज़ है जैसे मान लेते हैं हम इस बोर्ड को मापना चाहते हैं तो हम लोग किस में मापेंगे, लंबाई में मापेंगे है ना। इसको केजी में तो केजी में माप सकते हैं, इसको केजी में माप सकते हैं, लंबाई में माप सकते हैं, केजी में माप सकते हैं। इसका द्रव्यमान अगर देखा जाए तो है ना, अगर आपको रूम का टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए मापने के लिए कोई ना कोई इकाई तो चाहिए ना। अच्छा, अगर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको किसी पदार्थ का वेट मापना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको द्रव्यमान चाहिए है ना। और आपको मान लेते हैं कि समय का ज्ञान चाहिए, समय का मापन करना है तो टाइम को कैसे मापेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको इक्विपमेंट होना चाहिए, मापने की कुछ इकाई होनी चाहिए। जैसे हम लोग सेकेंड में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, तो ये सारी जो मापन की इकाइयाँ हैं उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, भौतिक राशियाँ। तो बेसिकली डिफिनेशन है क्या कि ऐसी राशि जिसका गुण ऐसी राशि या ऐसा गुणधर्म जिसका क्या है मापन संभव है, उसे हम लोग भौतिक राशि का नाम देते हैं। ठीक है, भौतिक राशियों को हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग भौतिक राशियाँ होती हैं है ना। तो बेसिकली देखिए समझते हैं और भौतिक राशियाँ क्या क्या होती है, यहाँ पे ध्यान देंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है ना, भौतिक राशियाँ जो है आपको तीन प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशियाँ हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। एक तो है मूल राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ पहला। दूसरा जो होता है वो आपका होता है अनुपूरक राशियाँ, अनुपूरक राशियाँ। और तीसरी जो है आपको व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिकली क्या, हमने लिखा हुआ है भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ मूल राशि को क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इंग्लिश भी साथ साथ समझते चले, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट भौतिक राशियां है ना, वो यूनिट नहीं बेसिकली आप क्वांटिटीज नाम दे सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी यूनिट का मतलब तो इकाई होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा अनुपूरक राशि है ना, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दूसरा आपका होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और तीसरा जो है जो व्युत्पन्न राशि है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी।
ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, यहां से आपको डिफिनिशन से ही क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो सबसे बेसिक होता है ना, यानी मूल होता है, जो स्टार्टअप का होगा उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशियां, है ना, वैसी राशियां, है ना, जो दूसरे पे निर्भर ना करती हो, है ना, जो मूल हो, जो जिसके लिए किसी दूसरे की सहारे की आवश्यकता नहीं है, है ना। जैसे आपको ये मापना है, आपको लेंथ मापना है, तो एक ही राशि चाहिए जो आपको क्या होता है, लंबाई होता है, उसको उसके लिए टेम्परेचर आपको नहीं लेना पड़ेगा, आपको इसको केजी में नहीं माप सकते हैं, है ना। तो बेसिकली वैसी राशि जिसका हम लोग जिसको और जिसके लिए दूसरे किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाती है आपकी मूल राशि, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल अनुपूरक राशियाँ, अनुपूरक राशियाँ जो होती है ये क्या करती है, बेसिकली व्युत्पन्न राशियाँ होती है एक तरह से, है ना, ये किसी दूसरे से ड्राइव की जाती है व्युत्पन्न राशि, अनुपूरक राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियाँ जो है आपको मूल राशियों से ही निकाली जाती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है, मूल राशियों से ही क्या किया जाता है, ड्राइव करके व्युत्पन्न राशि को निकाला जाता है। तो ये आपका क्या है, आपको भौतिक राशियों के प्रकार है, एक तो मूल राशि, अनुपूरक राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें और फिर हम इसको अलग अलग करके तीनों को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी राशियां जो है मूल राशि होती है, कौन अनुपूरक राशियां होती है और कौन कौन राशि जो है आपको व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत में हम लोग इसको काम में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें पहले, और राशियों के डिफाइन और डिफिनेशन को कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मूल राशियों का हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, है ना, वैसी राशि जो किसी अन्य पे निर्भर नहीं करती वो क्या कहलाएगी, मूल राशि कहलाती है, ठीक है ना। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है आपको, कि वे राशि जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती आपको कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर मूल राशि, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ इससे संबंधित, ये एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, मतलब एक दूसरे का इनसे कोई ये आपको नहीं है, कोई एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती है, यानी क्या होगी आपको इंडिपेंडेंट होती है, जितनी भी राशियां हैं आपको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। मूल राशियों की संख्या कितनी है, केवल 7 है, मूल राशियां टोटल आपके सामने जो होंगी वो केवल 7 बनाई गई हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम है जो आपको बेसिकली क्या करता है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण करता है, उन्होंने 7 मूल राशियां बनाई हैं और इन्हीं राशियों का उपयोग करते हुए बाकी की सारी जितनी भी राशियां आपको निकाली जाती है वो सब इन्हीं राशियों का उपयोग करके निकाला जाता है, ठीक है। मानी मूल राशियों की संख्या कितनी है, केवल 7 है, अन्य बाकी सारी राशियां इन्हीं राशियों के गुणा एवं भाग के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल की टोटल 7 राशियां हैं, तो अब ये कौन कौन सी राशियां हैं जरा यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। मूल राशियों की संख्या कितनी, 7, और वे कौन कौन सी राशियां हैं देखिएगा जरा, ठीक है। अच्छा, पहला लंबाई मतलब लेंथ, पहला लेंथ, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे साथ ही साथ, लंबाई और दूसरा आपका मास, तीसरा समय, समय यानी टाइम, ठीक। चौथा जो होता है वो आपका होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, और चौथा आपका ताप, ठीक है, ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा जो आपका है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका हो गया पांचवा। और छठा जो होता है आपका वो होता है आपका ज्योति तीव्रता, ठीक है। और सातवां जो आपका होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सातवां नंबर का जो आपका जो मूल राशि है उसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, सातवां जो है आपको ये है आपकी पदार्थ की मात्रा, और जिसे हम लोग टर्म देते हैं इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब होता है आपको
पदार्थ अमाउंट मतलब मात्रा, यानी आपकी जो मूल राशि टोटल की टोटल मूल राशियाँ कितनी है, 7 है, और ये कौन कौन सी आपको याद रखना है एनी टाइम, क्योंकि इन्हीं का उपयोग करते हुए जितनी भी राशियाँ बनती है, जितनी भी आपने आप पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी राशियों के बारे में जानेंगे, जैसे आपको आयतन हो गया है ना, आपका बल हो गया, टॉर्क हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें आती है ना, वो सब आपको निकल के आएगा इन्हीं मूल राशियों से ही। तो पहला आपको लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आपका समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा जो है ज्योति तीव्रता, और सातवा क्या है आपका पदार्थ की मात्रा। तो ये आपका मूल राशि का एक हल्का सा फंडामेंटल डिफिनेशन हुआ है ना। या जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इससे संबंधित हम जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जब इनकी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे है ना, जब हम लोग इनके इकाइयों को डिस्कस करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि लंबाई का मात्रा क्या होता है, लेंथ होता है ना, तो जब हम इनके इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी भी सिस्टम्स होती है उन सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या क्या आपकी इकाइयाँ होती है, लंबाई की क्या होती है, द्रव्यमान की क्या होती है, समय की क्या होती है, ताप की क्या होती है, करंट की, ज्योति तीव्रता की, और पदार्थ की मात्रा की मात्रा क्या होती है एसआई सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को और साथ ही व्युत्पन्न राशि को। ठीक है, चलते हैं, जरा देखते हैं अनुपूरक राशियों के बारे में। ठीक है, अनुपूरक राशियां क्या होती है, अनुपूरक राशियां जो है, ये राशियां जो है बेसिकली क्या करती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है हमारी मूल राशियाँ, उनको क्या करती है, मदद करती है अन्य राशियों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपका डिफिनेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये कितनी होती है, ये आपकी दो होती है, समतल कोण और कौन सा घन कोण, ठोस एंगल और सॉरी प्लेन एंगल और कौन सा और सॉलिड एंगल, ये आपकी दो ही राशियाँ हैं जो आपकी होती हैं, समतल कोण और घन कोण, जो आपकी अनुपूरक राशियों के अंतर्गत निकल के आती है। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास व्युत्पन्न राशि, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव क्वांटिटी, वे राशियाँ जो मूल राशियों से क्या किया जाता है, उत्पन्न किए जाते हैं, वे आपकी कहलाती हैं कौन सी, आपकी बेसिकली कहलाती है आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि कैसे निकाली जाती है, जैसे हमने बताया आपको, आप पढ़े होंगे चाल के बारे में है ना, चाल क्या होता है, ये आपका होता है दूरी अपन समय, ये होता है ना, चाल जो होता है दूरी अपन समय होता है। तो चाल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चाल में आप देखिए दूरी, दूरी यानी लेंथ है ना, और समय यानी आप जानते हैं समय क्या है, तो समय आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूरी जो है क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, ये भी क्या है फंडामेंटल। तो चाल हमने बना लिया किसका उपयोग करते हुए, दूरी और समय का उपयोग करके हमने क्या बना लिया, हमने चाल को ड्राइव कर लिया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज को बनाते हैं, जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशि, और उनका उपयोग किसका उपयोग करके बनाते हैं, मूल राशियों का यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं व्युत्पन्न राशियों को। ठीक है, चलेंगे, तो ये आपका रहा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको पढ़ा क्या, हमने पढ़ा आपको भौतिक राशियों के बारे में, जिसमें भौतिक राशियां तीन प्रकार की, मूल राशि, अनुपूरक राशि, और तीसरी कौन सी आपकी व्युत्पन्न राशि। तो चलते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, और आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चैनल में बने रहें, वीडियो को देखते रहें, धन्यवाद, जय हिंद।